इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप बाज़ार से ख़रीदते भी हैं इसको, वो मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर ये लेवल का मार्किंग का साइन नहीं होता, जिस वजह से आपको अपने दूसरे कस्टम लेवल से इसको लेवल करना पड़ेगा। अभी हमने इसके जो पॉइंट है वो रेडी कर लिए, ये चारों पॉइंट को हमने वन बाय वन करके टाइट कर दिए। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप बाज़ार से ख़रीदते भी हैं इसको, वो मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर ये लेवल का मार्किंग का साइन नहीं होता, जिस वजह से आपको अपने दूसरे कस्टम लेवल से इसको लेवल करना पड़ेगा। चलो जी चलो।
ये हमारी जो दाल प्लेट है वो मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि मिक्सर की शावर की जो कंसील्ड बॉडी है वो फिक्स हो चुकी है। तो आप जब इनको फिक्स करेंगे, यानी कि इसको पका करेंगे, तो ये जो इसका लेवल है इसको हमने क्लियर रखना है, बाकी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये एडजस्टेबल, बाकी जो आम अगर आप मार्केट से कोई खरीदते हैं मशीनें वगैरह, उनके अंदर ये लेवल का जो सीन है वो नहीं होता। अब बाकी ये हमारी मशीन हर लिहाज से फिक्स है। ये जो हमने टैब दिया ये फ्लोर से हमारे तैयार फ्लोर से 26 इंच की हाइट पे है। तो बाकी ये हमारा रेन शावर ऊपर आएगा जब ये सारा बात कंप्लीट हो जाएगा और सीलिंग का टाइम आएगा तब ये हमारा शावर लगेगा। तो अब हमने इसको ऊपर से रफ कर दिया क्योंकि हमारा जो काम था वो वाइंड अप हो चुका है। अब हमने इसको सीमेंट के साथ कवर कर दिया है ताकि हमारे जो पॉइंट हैं वो हिल ना सके और जो हमारा लेवल है वो क्लियर हो जाए। ये हमारी मशीन जो है वो अब फिक्स है। अब इसके ऊपर अब अपना टाइल वर्क करें या जो भी करें, प्लास्टर वगैरह करें, हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं होगी। तो इस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये हमारी कंसील्ड बॉडी रेन शावर की जो मशीन है, मिक्सर कह लें इसको। तो ये इस तरह से कुछ इंस्टॉल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।